हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी प्लस यू। और एज यूजुअल हर बार की तरह मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है बेटा, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है आप लोगों को? इनिशियल लेक्चर्स में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। फिर एक लेक्चर में हम लोगों ने देखा बेटा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टर्स, आइसोडाइपर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इन सबकी डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। उसके बाद फिर मैंने आपको एक एटम की पूरी कहानी सुनाई थी कि एटम की शुरुआत कहां से हुई और बढ़ते 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 हमारे आज तक जो हमारा एटम है वो कैसे एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है जी। इसके साथ फिर हम लोग आ गए मॉडल ऑफ एटम पे बेटा। हमने डिस्कस किया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और इनके ड्रॉबैक्स। ये अभी तक का सेक्शन है जो आपने अभी कंपाइल किया है, तो अब थोड़ा आगे की तरफ इलेबोरेट करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक एडिशनल चीज बताता हूं जो आपको समझनी है। जो लाइट है बेटा, लाइट, इस पर बड़ा झगड़ा हुआ है साइंटिस्ट के बीच, बड़ा बढ़िया वाला झगड़ा हुआ है एक्सट्रीम लेवल पे जाके। लेकिन हाथापाई वाली बात नहीं कर रहे हम लोग, डिबेट डिस्कशन। ठीक है, अपने अपने व्यूज रखना, किसकी व्यू सही है, किसकी व्यू गलत है, कौन प्रूव कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीजें लाइट को लेकर हुई। एक्चुअल में हुआ क्या, देखिए दो बड़े साइंटिस्ट आपस में उलझ गए। एक थे न्यूटन, जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी दी थी, और यू कैन से न्यूटोनियन थ्योरी, न्यूटोनियन थ्योरी अप्रोक्स 1680 के करीब। ठीक है, इसी थ्योरी को कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी हम लोग बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और कहीं ना कहीं ये वही रिलेटेड होती है ग्रेविटेशन थ्योरी के साथ। इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था कि बेटा कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, लाइट शो पार्टिकल नेचर। ओके, दो तरीके के नेचर होते हैं बेटा, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो न्यूटन ने न्यूटोनियन थ्योरी के थ्रू क्या प्रूव किया या क्या प्रूव करने की कोशिश की कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर से हमारा मतलब होता है जिसका कुछ मास होता है। ठीक है, लेकिन इनके पैरेलल उसी टाइम में एक साइंटिस्ट आए बेटा, हाइगन, जिसको हम हाइजन थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो थ्योरी दी, हाइजन थ्योरी, स्पेलिंग को ज्यादा गौर मत करना आप लोग, इसके हिसाब से इन्होंने कहा कि बेटा लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है। दोनों ड्रास्टिकली डिफरेंट बात बोल रहे थे बेटा, दोनों बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। न्यूटन क्या कहता था कि लाइट इज ए पार्टिकल, और हाइगन ने क्या कहा बेटा कि लाइट है वेव नेचर। ठीक है, अब इस बात को उनकी, क्योंकि एक ही राय के थे तकरीबन, ये मान के चलिए ये हमारे पास हुआ था 1678 के करीब, उन्होंने इस थ्योरी पे वर्क करना शुरू किया था, तो समकालिक बोलते हैं हम, वो लोग थे ये। तो अच्छी खासी इनके बीच में डिबेट हुई, बट प्रॉब्लम क्या आ गई, जो हाइजन थे ना बेटा, इनका एक ड्रॉबैक था इसकी थ्योरी का कि इनके पास कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल प्रूफ टू जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट। ठीक है जी, प्रैक्टिकल प्रूफ टू जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट। लेकिन न्यूटन का तो आपको पता ही है, क्लासिकल थ्योरी थी, बहुत वेल एक्सेप्टेड थ्योरी थी। तो क्या हुआ, लोगों ने हाइजन थ्योरी को इग्नोर कर दिया, या आप कह सकते हैं एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हाइजन ने सिर्फ थ्योरी डिराइव फॉर्म में किया था, डेरिवेशन कॉपी में की थी, सीधी सी बात बताओ, प्रैक्टिकली कोई प्रूफ नहीं था, कहीं हमें शो नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से हाइजन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और कौन सी थ्योरी चल गई मार्केट में, दैट इज न्यूटोनियन थ्योरी। ठीक है, लेकिन समय के साथ दो लोग आए बेटा। नंबर वन, इन 1801 एक एक्सपेरिमेंट आया हमारे पास, या फिर अगर मैं साइंटिस्ट का नाम बताऊंगा आपको तो दैट इज रॉबर्ट यंग। जिन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या प्रूव करता है, ये सब आपको बाद में बताया जाएगा।
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया कि लाइट हैव वेव नेचर. ठीक है, लाइट कैसा नेचर होती है? वेव नेचर होती है. तो हाइगन की थ्योरी को फेल जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे लोग, उन्हें थोड़ा सा दोबारा सोचना पड़ा 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद. क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बेटा, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन, खासकर इंटरफेरेंस पे बात हुई थी. और उसके बाद एक साइंटिस्ट आए बेटा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. जिन्होंने थ्योरी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ये पूरी की पूरी थ्योरी इस बात पे बेस्ड थी, या ये मान के चला गया था इस थ्योरी में, कि लाइट का वेव नेचर होता है. और इस थ्योरी की बहुत सारी बातें प्रैक्टिकली प्रूव भी हुई थी बेटा. तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सालों बाद 1850 के दौर में 1678 से कहीं ना कहीं दोबारा हाइजन वेव थ्योरी को समझा गया, पढ़ा गया या उसको एक्सेप्ट किया गया. ठीक है, लेकिन हमारा जो पूरा फोकस रहेगा बेटा वो हाइजन थ्योरी पे ना रहकर हमारे सिलेबस में, दैट इज जेम्स क्लार्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. क्लियर है? अभी तक की कहानी समझ में आ रही है? लाइट को लेके क्या डिबेट हुई थी? पार्टिकल लेके नेचर है, न्यूटन बोला जी पार्टिकल, उसने अपनी थ्योरी दे दी. हाइजन बोला जी वेव, उसने अपनी थ्योरी दे दी. न्यूटन ने प्रूफ भी दे दिए, लेकिन हाइजन तो प्रूफ दे नहीं पाया, तो फिर किसकी बात मान ली गई? न्यूटन की. चलता रहा. बहुत समय के बाद क्या हुआ, एक और जूनियर साइंटिस्ट आए यंग. उन्होंने क्या किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, जिससे पता चला कि लाइट में इंटरफेरेंस होती है बेटा. अब इंटरफेरेंस मैं आपको समझाऊंगा आगे के सेक्शन में, जनरली आप समझते भी हैं. दो वेव्स जब मैच कर जाएं तो क्या हो सकता है, या तो वो सुपर इम्पोज करे तो उनकी वेवलेंथ या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, वो हम लोग आगे बड़े इलेबोरेट करेंगे अच्छे से. तो यंग डबल स्लिट ने क्या प्रूव किया कि लाइट वेव है. और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इस थ्योरी का आधार भी क्या था कि लाइट वेव है. तो जब ये दोनों साइंटिस्ट ने हाइजन के थ्योरी को एक तरीके से ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड की बेटा, उसके बाद फर्दर रिसर्चर्स ने इस थ्योरी के ऊपर वर्क करना शुरू किया. और फाइनली दे फाउंड दैट कि हाइजन थ्योरी भी एक बहुत अच्छी थ्योरी थी, और उनके जो ऑब्जर्वेशन थे उनके रिजल्ट थे, भले ही उस दौर में उनको नकार दिया गया हो, लेकिन उसके बाद उनपे दोबारा से स्टडी शुरू हो गई. ठीक है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक चलेगा यहां से बेटा, वो होगा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ठीक है, नोट कीजिए आप, फिर मैं आपको अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ध्यान रखिएगा, द थ्योरी वॉज गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. और इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है बेटा, क्योंकि इस थ्योरी ने ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड की थी हाइजन वेव थ्योरी, जिसने कहा था कि लाइट पार्टिकल नहीं वेव होती है. तो इसी वजह से उससे पहले हाइजन थ्योरी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे साइंटिस्ट, उसके बाद एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. तो इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. और इस यूनिट की खास बात बताता हूँ बेटा, एटम स्ट्रक्चर की अकेली ऐसी यूनिट है जिसके साइंटिस्ट में को 10 से 12 नोबेल प्राइज मिले हैं. और ये यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो फिजिक्स में भी आती है और केमिस्ट्री में भी आती है. केमिस्ट्री में 11th में आती है, फिजिक्स में 12th में आती है. आप दोबारा ये सारी चीजें पढ़ेंगे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डी ब्रोगली इक्वेशंस, क्वांटम मैकेनिक्स जो क्वांटम फिजिक्स के नाम से आप लोग पढ़ेंगे, तो यहां अच्छे से करते जाएंगे तो वहां फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे. तो थ्योरी का नाम क्या है बेटा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गिवन बाय द साइंटिस्ट, याद हो गया होगा तो, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. कब दिया था बेटा, अप्रोक्स 1864. अब इन्होंने क्या कहा था बेटा, पहले ही समझिए, या इन्होंने कहां से थॉट लिया था. वो थॉट ये था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कुछ भी है, अगर वो एक्सेलरेट करेगा, अगर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है ना बेटा, तो एक्सेलरेट करता है. ठीक है, तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा और वो रेडिएशन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्लियर है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा. तो वहीं से इन्होंने कुछ रिसर्च के थ्रू कुछ अपने पॉइंट रखे, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के पोस्टुलेट्स बोलते हैं. तो हम लोग अब क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. नंबर वन, समझ,
रेडिएशंस जो होती हैं एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, यानी रेडिएशंस के बीच में गैप नहीं होता है, नॉन स्टॉप रेडिएशंस एमिट होते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक तरीके से बल्ब ले लेते हैं और जो रेडिएशंस निकल रही है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती थी कि ये कॉन्टिन्यूअस होती है, इनमें कोई ब्रेक नहीं होता है। पॉइंट नंबर वन, ध्यान से सुनते रहिएगा बात को। नंबर टू, रेडिएशंस ऑफ वेव्स, एक ही बात है, वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर अच्छा रहेगा बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। They travels with the speed of light and that is 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये दूसरा पोस्टुलेट था उन्होंने, उनका क्या कहना चाह रहे थे कि जो भी रेडिएशन होगी वो किससे करेंगी ट्रेवल, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे। थर्ड चीज का, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। पहले तो इस वर्ड को समझ लीजिए आप, प्रोपेगेशन क्या है। प्रोपेगेशन होता है बेटा वेव का ट्रेवल करना। जैसे मान लीजिए कोई पॉन्ड है, कोई नदी है, कोई तालाब है, वहां आपने एक पत्थर मार दिया तो क्या होगा, पानी प्रोपेगेट करना शुरू करेगा, लहरें उठेंगी ना पानी की और फैलती चली जाएंगी। तो मूवमेंट ऑफ वेव्स जो होती है क्रस्ट और ट्रफ के मैनर में, दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेटा किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ये सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में जेम क्लार्क मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और रेडिएशंस जो होती हैं, रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ, रेडिएशन और वेव्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ठीक है, यानी एक रेडिएशन जब एक्सेलरेट करती है बेटा तो उसकी दो फील्ड निकल आती है, एक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वो दोनों फील्ड्स को प्रोपेगेट करवाती है। और फाइनल पॉइंट है बेटा हमारे पास कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो भी आप इनको रेडिएशन में लगा सकते हैं, फील्ड मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as perpendicular to direction of propagation। कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगी बेटा, ये एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर होंगी होंगी और साथ में प्रोपेगेशन जहां हो रही है नेट प्रोपेगेशन, उसके भी परपेंडिकुलर होंगी। तो वी कैन से दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। हालांकि ये चीजें 3D में जस्टिफाई हो सकती है, मैं 2D में आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मूवमेंट इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। देखिए बेटा, कोई वेव ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए जो ब्लैक डॉटेड एरिया है बेटा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां जो रेड है इसे हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पर मैग्नेटिक।
अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एज वेल एज टू द परपेंडिकुलर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो ये वो पॉइंट्स है बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिए थे. एक बार जल्दी से इनको समझते हैं. श्योर, रेडिएशन जो होती है वो किसी सोर्स से कॉन्टिन्यूसली बाहर आती है. नंबर वन, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. नंबर टू, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. नंबर थ्री, दे consist of electric and magnetic field. Number 4, our electric or magnetic field are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. Propagation मतलब जहां आपकी wave, जिस direction में आपकी wave travel कर रही है. तो these are the postulates of electromagnetic wave theory. ये आपका magnetic और electric field के एक तरीके से movement को हमने 3D movement को 2D movement में show करने की कोशिश की है. चलिए, तो ये तो था हमारे पास electromagnetic wave theory. काफी सक्सेसफुल रही बेटा, लेकिन आगे चलकर पहले तो इस थ्योरी की कामयाबी क्या थी, इस थ्योरी की वजह से जो हाइगन वेव थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है. लेकिन जब आगे चले तो इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आई और कुछ इसके प्रूफ भी थे वो समझिए. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है बेटा, इसको सपोर्ट किस किस एक्सपेरिमेंट ने किया और इसको अपोज किस एक्सपेरिमेंट ने किया, एक बार वो देख लेते हैं. दो बेसिक एक्सपेरिमेंट थे बेटा, एक इंटरफेरेंस और नंबर वन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने इसे सपोर्ट किया कि भैया ये थ्योरी एकदम सही है और लाइट वेव नेचर शो करती है. लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे बेटा जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी जस्टिफाई नहीं कर पाई थी. वो क्या क्या थे देखिए. नंबर वन, ब्लैक बॉडी यानी कि ये इसके अगेंस्ट थी. ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये पहले भी मैं स्टोरी ऑफ एटम में आपको बता चुका हूं. ब्लैक बॉडी कंसेप्ट एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा आप कह सकते हैं ऑफ एलिमेंट्स. ये तीन आते हैं बेटा जी ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में. ये दो पॉइंट आते हैं सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में. तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके सपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे और इसके ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. समझ पा रहे हैं बात. तो अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है. जितनी भी रेडिएशंस हैं जनरली हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ही, जैसे गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी है, अल्ट्रावायलेट है, कंसीडर हो जाती हैं. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले जनरली क्या पढ़ा जाता था बेटा, पार्टिकल नेचर. अब क्या समझने लगे, वेव. तो वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आए जो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, जैसे वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, इनकी यूनिट्स क्या होती है. इतने आप लोग एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को अच्छे से समझ के इसके पॉइंट टू पॉइंट एक बार प्रॉपर नोट्स बना लीजिए.